हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 7 की सब्जेक्ट मैथ्स की वर्कशीट 13 डिस्कस करेंगे। बच्चों, डेट है बच्चों आपकी इस वर्कशीट की 6 सितंबर 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आपसे बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें बच्चों, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वर्कशीट में बच्चों हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल के बारे में, जो आपके चैप्टर का नाम है, और इसमें आज हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर। तो लास्ट वर्कशीट में हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, तो इस वर्कशीट में हम डिवीजन करना सीखेंगे। तो जो हमारे पास डेसिमल नंबर है उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है बच्चों? डेसिमल आपको यहाँ पे लगा हुआ है, उससे पहले क्या आती है हमारे वंस, टेंस एंड हंड्रेड, लेकिन पॉइंट के बाद क्या बच जाता है? टेंथ, टी एच लग जाता है, ठीक है। टेंथ, हंड्रेड एंड थाउजेंथ, टी एच लग जाता है, ठीक है, ध्यान देना इस बात को। तो वन, टेन, हंड्रेड और दस, डेसिमल के बाद क्या होते हैं? 1/10, 1/100 और 1/1000 बच्चों। तो आगे देखते हैं इसमें डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय होल नंबर। तो आपको डेसिमल नंबर है उसको हम होल नंबर से डिवाइड करना सीख रहे हैं पहले, ठीक है। तो स्टेप देख लेते हैं पहले इसके। फर्स्ट डिवाइड देम एज ए होल नंबर एज शोन इन द राइट। तो पहले आप उनको होल नंबर की फॉर्म में डिवाइड कर देंगे, जैसे 1449 की अब 7 से जैसे आप पहले करते उससे उस फॉर्म में आपने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। आंसर आ गया आपके पास 207। उसके बाद क्या करेंगे? देन प्लेस द डेसिमल पॉइंट इन द क्वेश्चन एज गिवन इन द डेसिमल नंबर। तो जैसे कि डेसिमल नंबर में आपके पास कितने डेसिमल पॉइंट से पहले पॉइंट है, मतलब कितने डिजिट से पहले पॉइंट है, दो डिजिट से पहले, तो जो आपके पास क्वेश्चन है तो उसमें भी आप दो डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे, तो इसका आंसर बनेगा बेटा 2.07। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो इस प्रकार आप अपना क्वेश्चन डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके डिवीजन बाय 10, 100 और 1000। तो 10, 100, 1000 से किस प्रकार हम डिवाइड करेंगे? तो रूल है मूव डेसिमल टू द लेफ्ट बाय एज मैनी प्लेसेस एज दे आर जीरो। तो जितने जीरो होंगे उतना ही आप डेसिमल प्लेस को राइट की तरफ मूव कर दोगे, मतलब लेफ्ट की तरफ, ठीक है, लेफ्ट की तरफ उसको मूव कर देंगे। तो देखते हैं कैसे। जैसे 23.6 है, इसको हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो पॉइंट बच्चों यहाँ पे आपके पास 3 के बाद है, तो इसको आप अब क्या करेंगे, 2 के बाद लगा देंगे, एक प्लेस आपने मूव कर दिया, तो बन गया आपका 2.36। वैसे 23.6 को आपको 100 से डिवाइड करना, मतलब पॉइंट क्या 3 के बाद है, तो पहले ये 2 के बाद आएगा, फिर 2 के पहले कोई डिजिट तो यहाँ पे हम 0 लगाएंगे, फिर 0 के बाद आएगा, तो इट मीन्स क्या आंसर आएगा हमारे पास 0.236 बच्चों। नेक्स्ट आपको 1000 से डिवाइड करना है, तो ठीक है, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, 23.6 था आपके पास, तो पहली शिफ्ट में क्या जाएगा, 3 से पहले जाएगा, उसके बाद 2 से पहले जाएगा, और नेक्स्ट शिफ्ट में क्या जाएगी, 0 से पहले जाएगा, ठीक है। तो आंसर आएगा हमारे पास 0.0236 बच्चों, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आगे इसमें डिवाइडिंग टू डेसिमल नंबर। अब आपके पास क्या है, दोनों के दोनों नंबर के डेसिमल है, उसको हम किस प्रकार डिवाइड करेंगे, तो वो देखते हैं हम। शिफ्ट द डेसिमल प्लेस, शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट टू द राइट टू मेक इट होल नंबर डिवाइडिंग 10, 100 एंड 1000 बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टाइम द डेसिमल पॉइंट शिफ्ट प्लेस। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, डेसिमल प्लेस को आप राइट की तरफ मूव कर देंगे, पर उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन 3.25 और 0.5, इसके लिए आप क्या करेंगे, जितने इसमें डेसिमल नंबर है, जैसे जो हमारे पास डेसिमल यहाँ पे है उसको कितने डिजिट से पहले बच्चों, दो डिजिट से पहले, तो 2 0 आ जाएंगे नीचे। वैसे हमारे पास 5 0.5 है, तो यहाँ पे कितने डिजिट से पहले पॉइंट है बच्चों, 1 डिजिट से पहले, तो यहाँ पे 10 मतलब यानी कि 10 आ जाएगा। यहाँ पर डिवाइड की फॉर्म हो गई, अब इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, ये वाली डिजिट उल्टी हो जाएगी, 10/5 हो गया। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, जैसे 1 0 से 1 0 कट गई, अभी 5 की टेबल पे काट देंगे आप इसको, तो 5 6 5 5 5, अब 65/10 हो गया, तो 65/10 का मतलब क्या कि 1 0 है, तो 1 डिजिट से पहले पॉइंट हमारा आ जाएगा, तो आंसर बन गया 6.5। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास 76.5/0.15, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, पहले पॉइंट उठाएंगे, तो 76.5 का 1 डिजिट से पहले पॉइंट था, तो 10 आ गए, और 15 में 2 डिजिट से पहले पॉइंट था, तो 20 मतलब यहाँ नीचे 20 आ गई, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो इसको उल्टा कर देंगे, 100/15 हो गया, फिर इसको हम काट देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 15 5 75 50 50 15, तो 51 की हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा 510, तो आंसर आ गया आपके पास 510। अब करते हैं बच्चे इस वर्कशीट की प्रैक्टिस क्वेश्चन, लेट्स डू। तो 5.6 की हमें 1.4 से डिवाइड करना है, तो देखते हैं इसके आंसर बच्चों हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे 5.6 से 1.4 से करेंगे, तो पहले हम इसका पॉइंट हटाएंगे, तो 1 डिजिट से पहले पॉइंट था, नीचे 10 आ गया, यहाँ पे भी 1 डिजिट से पहले पॉइंट था, तो यहाँ पे हमने 0 10 ऊपर आ गया,
ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया तो 1060 कट गई, 14 4 46, तो आंसर आ गया बच्चों आपको 46, यानी कि 4 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.75 डिवाइड बाई 0.25, तो इसको हम डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको मैं डायरेक्ट करी, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे कर सकते हैं 7.100 डिवाइड बाई 25 बाई 100, क्योंकि हम पॉइंट उठाएंगे तो 100 आएगा, क्योंकि दो डिजिट से पहले पॉइंट था, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वाला डिजिट क्या हमारी उल्टी हो जाएगी, 100 बाई 25 हो गया, 2 0 से 2 0 कट गए, तो ये पॉइंट आप हटा देंगे यहाँ पे। ठीक है, 25 3 75 25 25, तो आपका आंसर आ गया 31। ठीक है, तो आप लिख लेंगे इसको। नेक्स्ट आपके पास 7 डिवाइड बाई 3.5, तो 3.5 के लिए आप क्या करेंगे, तो इसको लिखेंगे आप 35 बाई 10 हो जाएगा आपका पॉइंट हटेगा, तो अब इसको हम उल्टा कर देंगे 10 बाई 35 7 5 35 5 5 5 2 10, तो आंसर आ गया बच्चों आपके पास 2, तो इसका आंसर आप करेंगे 2। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट आप ये भी कर सकते हैं, इन दोनों मल्टीप्लाई 70 बाई 35, और फिर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आपके पास 2। नेक्स्ट आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए व्हीकल कवर ए डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो कहा क्या गया बच्चों, 2.4 लीटर पेट्रोल अगर वो डालता है तो 43.2 किलोमीटर वो चलता है, तो आपको बताना कि अगर 1 लीटर पेट्रोल डाले तो कितनी दूर चलेगा, तो इसका आंसर हम देखते हैं, तो स्टेटमेंट लिखेंगे आप इसमें, इन 2.4 लीटर पेट्रोल कवर डिस्टेंस इज इक्वल टू 43.2 किलोमीटर, तो आप 2.4 की जगह आपने क्या लिखा 1, तो यहाँ पे आएगा 43.2 डिवाइड बाई 2.4, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या 8 डिजिट से पहले पॉइंट तो 10 आ गए, यहाँ पे भी 8 डिजिट से पहले पॉइंट तो 10 आ गए, इसको हम काट देंगे, तो यहाँ पे आप इन दोनों काटेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 18, यानी कि आप 18 किलोमीटर जा सकते हैं 1 लीटर पेट्रोल के अंदर। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आगे देखते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, यहाँ पे आपको करना क्या है, 2.73 को 100 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए हमें क्या था कि जब भी जितनी जीरो होती है उतना ही पॉइंट वो शिफ्ट हो जाता है, 2.73 डिवाइड बाई 100, मतलब 2 जीरो हैं, अब पॉइंट क्या है यहाँ पे 2 के बाद है, तो हम इसमें क्या करते हैं पहले 0 ऐड कर देते हैं, 2 के बाद है तो यहाँ पे अब 0 के बाद जाएगा, 2 प्लेस मूव करना, 1 प्लेस हो गया, और फिर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या बनेगा इसका, 0.0273 बच्चों। ठीक है, तो आप ये आंसर कर लेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1000 से डिवाइड, ठीक है, तो 1000 से डिवाइड के लिए मैं रफ कर देती हूँ, तो इसमें हमारे पास बनेगा 38.53 डिवाइड बाई 1000, मतलब 3 प्लेस आपको मूव करने हैं, तो पहले हम यहाँ पे 3 प्लेस बना देते हैं। ठीक है, तो 3 प्लेस 1 2 3, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 0.03853 बच्चों। ठीक है, तो 3 डिजिट ये शिफ्ट करेगा तो यहीं पे आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है आपके पास 0.7 डिवाइड बाई 10, तो एक प्लेस मूव करेंगे तो ये किसके पास आएगा बच्चों, 0 से पहले आएगा, तो 0.07, 1 डिजिट 0 आप अपनी तरफ से लगा सकते हैं, तो आंसर आएगा 0.07, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इस वर्कशीट के फिल द ब्लैंक्स, डेसिमल फॉर्म ऑफ 900 एंड 900 इज, तो इसका आंसर हम देखते हैं, तो 900, तो 900 में हम 9 की 100 के नीचे नहीं लिखा, और 100th में हम 9 के यहाँ पे लिखेंगे इसके नीचे, तो डेसिमल आपको यहाँ पे आएगा, और उसके बाद जो ब्लैंक स्पेस वहाँ पे आप क्या कर देंगे 0 0, तो आंसर बनेगा आपका 900.09, ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आगे देखते हैं इस वर्कशीट का नेक्स्ट क्वेश्चन हम। ठीक है, तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर क्या है 900.09 बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 36.037, तो जैसे इसने कहा था वैसे हमने लिख दिया, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन की सेकंड क्वेश्चन की। नेक्स्ट है 9th, 10th and 4th की हमें एडिशन बतानी है, 9th, 10th का मतलब क्या है कि 0.9 और 0.4, इन दोनों की हम एडिशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.3 बच्चों, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1.3। नेक्स्ट है आपके पास 10 डिवाइड बाई डैश इज इक्वल टू 1000, तो 10 को हम किससे डिवाइड करें कि हमारे पास 1000 आ जाए, तो इसमें आप करेंगे 0.01, ताकि आपके पास 2 जीरो पर आ जाए, तो इसमें आप करेंगे 0.01 बच्चों। ठीक है, तो आंसर आपका ये हो गया। नेक्स्ट है 4.5 को हम किससे डिवाइड करें कि हमारे पास ये आ जाए, मतलब जो 4 है अभी 2 डिजिट से पहले आ गए, तो इसमें आप करेंगे इसको आप करेंगे 100 से डिवाइड। ठीक है, 100 से करेंगे, 2 डिजिट आपको मूव करना है तो आप 100 से डिवाइड करेंगे।
नेक्स्ट है आपके पास, यहाँ पे आपको कितने प्लेस मूव किया, दो प्लेस मूव किया, 9 से पहले आ गया, तो इसको भी आप 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। आप ये अपना फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लें, वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। वर्कशीट का सोल्यूशन बच्चों अगर आपको पसंद आ गया, अच्छा लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।